को रखूंगी। ये और रख दिया, ये खाली है, इसमें क्या रखूं? अभी तक पौधा मिला नहीं, तो खाली रहने दो। मतलब खाली है मतलब पौधा आएगा। ये वाला प्लांट मतलब पता नहीं क्यों ये बहुत मेंटेन करना, मैं पहली बार इसको मैंने लाई थी लेकिन ऐसे फंगस लगा, ये कुछ तो हो रहा वाइट वाइट, तो मैंने टिश्यू से पोछा, देखती हूँ कैसे करके इसका छोटा छोटा होता है इस तरह से, देखो कितना सारा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा इधर लाइट मिलेगा ना इसलिए इधर ला रही हूँ। धूल देख रहा है, एक दिन में, परसों नहीं एक दिन में, कल साफ नहीं किया था परसों साफ किया था बस। और ये दोनों, ये वाला इसमें भी मिट्टी है, नीचे था इसका नीचे, अभी ये छोटा वाला जो सेंटर टेबल है ना वही वाला इसको इधर रखा है, क्योंकि कभी कभार सांतनु यहाँ पर ला के चाय वाय पीता है, तो इसीलिए अभी तो फिलहाल यहाँ पर रखा है। तो इसमें मिट्टी डाल के कुछ लगाऊंगी, इसीलिए ऊपर में रखा था, अभी याद रहेगा दिवाली के टाइम नीचे रखा था ना चेयर, और ये टेबल तो इधर ही रहेगा। अरे देखो ये वाला, इसको हाँ इसका बेबी कितना हुआ है, लगाऊंगी अभी एक दिन, धीरे धीरे लगाना पड़ेगा टाइम निकाल के, और एक बेबी हुआ है इधर छोटा छोटा स्पाइडर प्लांट, ये मतलब थोड़ा ओल्ड प्लांट में ऐसा होता है। 2:30 ऐसा कुछ बज रहा होगा, स्वीटी आके खाना खा के सो गई, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में उठना भी पड़ता है ना, और मैं दोपहर में ये सब काम कर, क्योंकि मैं नहीं सोती हूँ, वीडियो एडिट करना हो गया, ये सब काम करने के बाद मैं थोड़ा सा ये सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार सो जाता है ना तो, और स्पेशली विंटर में अभी एकदम भी टाइम नहीं मिलता है, लगता है अभी अंधेरा हो गया। रिसर्च मैं डेली नहीं करती हूँ, हफ्ते में एक दिन या 5-6 दिन में एक दिन है, ऐसा सब जैसा जिस दिन दिखती हूँ धूल दिख रहा है तो उस दिन कर लेती हूँ। और ये जो डंडा है ये एक DIY के लिए लाई हूँ, कुछ काम के लिए, लेकिन अभी तक वो टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि उसके लिए टाइम लग गया, बैठना पड़ेगा थोड़ा सा। ये सारे जो है ये हफ्ते में, ऊपर का रैक में हफ्ते में एक दिन कर लेती हूँ, या तो 3-4 दिन बाद जब मुझे मौका मिलता है उस हिसाब से मैं करती हूँ, ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई मतलब प्रेशर हिसाब से नहीं करती हूँ, जब देखती हूँ वहाँ धूल लग रहा है तब कर लेती हूँ। नीचे का चेयर वगैरह तो वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन धूल के डर के मारे घर नहीं सजाऊँ तब तो भाई वो मेरी जीने के तरीका थोड़ा अलग ही है, थोड़ा आलसीपन लगेगा तब मुझे लगेगा अरे मैं आलस के चक्कर में घर से नहीं सजा रही हूँ, ऐसा वाला फीलिंग्स मेरे अंदर से आएगा, तो घर तो सजाना है, धूल तो रहेगा। धूल स्पेशली अभी क्यों ज़्यादा हो रहा है, बेसिकली सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी सारे फ्लैट का काम चल रहा है, इंटीरियर चल रहा है, और मतलब प्लास्टर वगैरह भी चल रहा है, घिसाई वगैरह जब होता है ना वो उस टाइम पर, टाइल्स का भी काम चल रहा है, तो उस चक्कर में इतना धूल, नॉर्मली इतना धूल बारिश के टाइम पे नहीं होता था, बारिश में पानी होता था ना। और ये जो है ये ग्लास है ना, इसमें दिया करती हूँ ना, जो तुलसी मंच का दिया नीचे नहीं देती हूँ, नीचे देने से मुझे कुछ अजीब लगता है, तो मैं इसके ऊपर दे देती हूँ और ये ढक देती हूँ, तो हवा आता है ना बहुत ज़्यादा। ये प्लेट है एक छोटा सा, प्लेट के ऊपर ये बड़ा वाला ग्लास, क्योंकि बड़ा वाला ही है मेरे पास, जब भी जैसा टाइप का दिया तो इसीलिए मैं यहाँ पे रखती हूँ। अगर नीचे रखूँगी ना और ये जगह पे रखूँगी ना तो बहुत हवा आता है ना, तो वो डेंजरस भी होता है, ये छोटा ग्लास भी यहाँ पे नहीं दे सकती, धूप यहाँ पे देती हूँ, दिया यहाँ पे देती हूँ, और केले के पौधे को यहाँ पे रख दिया, और ये बाल्टी कभी कभार पानी देने के लिए पूजा के लिए यूज़ होता है, मतलब पौधे वगैरह में पानी देती हूँ बाल्टी में ला के, आज धोया था चमक के, इसके ऊपर सामान रखने के लिए अच्छा है। तो पौधे को धो दिया, अरे देखना मैं किस ऐसे मतलब, लेकिन आगे पीछे लिया था, एक बहुत पहले का है और एक नहीं, लेकिन ये घर का नहीं, ये घर का सही है शायद, मैं बीच में लेके आई थी, लेकिन पौधे को धोते हैं ना बीच बीच में गर्मी लगता है उनको भी ना। एक यहाँ पर रखूँगी, एक साथ पौधे अच्छा लगता है दिखने में, इसको फिलहाल अभी यहाँ पे रख रही हूँ टेबल के ऊपर, देखना अच्छा लगता है, लेकिन पॉट चाहिए इसका, ये वाला पॉट तो आएगा भी नहीं। वाह हाँ कुंड वॉकिंग, ये वाला ना ये चल रहा है ना, वॉल से ना पहले तूने ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ वो थोड़ा है, लॉन बहुत मस्त है। और ये एंट्रेंस के वहाँ पे छोटा सा लॉन है, उसके अंदर ये चांपा सोन
चांपा नहीं, इसको फ्रेंगी पे नहीं बोलते, चांपा ही बोलते शायद, मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा खुशबू आता है, ये मेरा फेवरेट प्लांट है, किसी लगाऊंगा। मेरे पास है, देखा नहीं इसको? देखा था? और ये हमारे सोसाइटी के नीचे हफ्ते में 2 दिन सब्जी मंडी जैसा ही बैठते हैं। पहले तो और भी बड़ा हट के बैठता था, अभी कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है इसीलिए उनको एक तरफ कर दिया। और ये फार्मर्स लोग होते हैं, डायरेक्ट आते हैं, मतलब टेम्पो में वगैरह में शायद आता है, और सब्जी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं वही देसी टोमेटो, देसी चीज़ें मिलता है यहाँ पे, कुछ कुछ नॉर्मल चीज़ें भी मिलता है, तो वही देसी टोमेटो मैं बोला 2 किलो ले लेती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा साइज अभी विंटर में ही मिलता है, बाकी टाइम पे तो देसी टोमेटो मिल जाता है लेकिन थोड़ा छोटा। और ये था नॉर्मल टोमेटो, ये काफ़ी बड़ा हिसाब से बैठता था, अभी कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है इसीलिए थोड़ा एक तरफ हो गया, नहीं तो लगता था पहले एकदम सब्जी मंडी के जैसा फील आता था, इसीलिए देख लो भैया लोग थोड़ा अंदर अंदर करके रखा है। अच्छा लगा है, मतलब आप फ़ोन करके भी बोल सकते हो, वो लोग भेजते भी है, लेकिन भेजने से वो होता है ना, मतलब वो अपने हिसाब से भेजेंगे, मैं इसीलिए स्वीटी को भेजती हूँ या तो मैं कभी कभार लेके जाती हूँ। तो शांतनु यहाँ पे मेथी देख रहा था, मैं बोला धनिया पत्ते भी ले लेते, तो बोला नहीं आज धनिया पत्ता है थोड़ा सा घर पे। शांतनु कभी कभार देखता है ना फ्रिज में क्या है नहीं है, तो देखा था आने के टाइम जो फ्रिज में धनिया पत्ता है, इसीलिए मैं मेथी ले रही हूँ। और ये ऑरेंज, ये नागपुर वाला ऑरेंज होता है, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो वही उस दिन स्वीटी लाई थी, ऑरेंज इतना टेस्टी था, तो मैं बोला ऑरेंज लेके देखती हूँ, लेकिन कभी कभी इतना खट्टा मिल जाता है ना, इसीलिए लगता है एक डज़न ही ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी आके देखूँगी। और ये है बेर, हमारे वहाँ पे कूल बोलते हैं, लेकिन ये सरस्वती पूजा जब तक नहीं होता हम लोग नहीं खा पाते। ये तो अमरूद, लेकिन ये पिंक वाला नहीं था, मैंने उनको पूछा, और ये चिक्कू विक्कू तो है सभी फ्रूट्स दिखने में भाई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाने का टाइम हक खाना होता है। हाँ देखो अच्छा तो लगता है, लेकिन मटर देख के मुझे लगा था मटर लूँगी, लेकिन मटर का अंदर का जो मटर है बहुत छोटा छोटा था, इसलिए मैं बोला बाबा चुनने के बाद निकलेगा इतना और भूसा निकलेगा इतना, तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं। और लाइन भी लग गया था, कभी कभी भीड़ भी हो जाता है क्योंकि इतने सारे फ्लैट्स हैं ना। और ये है मंदिर, ये मंदिर देख के मैं ये घर पे आई थी, क्योंकि ये घर हमें पसंद आया था, क्योंकि नीचे मंदिर का, ये माता रानी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और ये पत्थर का ही है, बहुत खूबसूरत तरीके से सजाता है। देखो पूरा साड़ी पहनाती तो छोटा सा मूर्ति को, और बाकी शिव जी है, नाग देवता है, गणपति जी भी है, बजरंगबली है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आते हैं, पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ही पूजा किया था एक बार। लेकिन ये मंदिर देख के मैं सोची थी नहीं मैं यहाँ पे ही घर लूँगी, क्योंकि इतना सामने मंदिर इजीली मिलता नहीं है हर जगह पे। चलो अभी थोड़ा हम मार्केट में निकले कुछ लेना है सामान, पानी पूरी होने के साथ बिना मिल रहा है, कलर वाला भी नहीं है, आज मैं जो काम के लिए निकली थी वही देखने आई थी। एमजी रोड पे यहाँ पे एक मिट्टी का साइड में एक दुकान है, जाते जाते एक दिन दिखा था और उनके पास ही मिट्टी का गुल्लक देखा था, लेकिन उनके पास नहीं मिला, तो घूम के आके और एक नर्सरी देखा, तो वह नर्सरी में था, तो बोल रहे थे दिवाली के टाइम आता है, दिवाली के टाइम बहुत सारे टाइप का गुल्लक आता है, मतलब जो पिगी बैंक बोलते हैं, तो वही देखने के लिए, लेकिन काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, तो वही मैंने ले लिया इसको। Is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind these clouds, I know the sun will be. But today is raining, so be patient with me. I'll be अभी भगवान के लिए खीर बनाया और ठंडा करने के लिए दिया है भाई, लेकिन फैन चलाना पड़ेगा ऊपर में फैन को, हाँ बंडर मैं, मुझे भागना पड़ेगा अभी, छोटू फैन यही सब चलता है। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल पे जीरा चॉप मिर्ची, और इसको हाई हीट में फ्राई करना है जब तक एकदम पानी रिड्यूस ना हो जाए, और एक अच्छा सा खुशबू ना, अच्छा सा खुशबू आ गया। उसके बाद ग्रीन चिली, ग्रीन चिली थोड़ा ज़्यादा करके मैंने हाथ लगा लिया मस्त एकदम,
वहाँ पे हाथ धोना पड़ेगा, हाथ मत लगाना भाई। और इसको देख के थोड़ा सा भूनना है, बॉयल पोटैटो, थोड़ा सा हल्दी, अंदाज से सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा कम दे के रखना। और इसको अभी मस्त भूनना है, और इसको भूनने के बाद लास्ट में चाट मसाला देके और थोड़ा सा भून लेना है, इसलिए सॉल्ट पहले से नहीं देना है, इसको भी ठंडा करना है। जो खुशबू है ना, Outside my window is everything pale and cold. Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind these clouds, I know the sun will be, but today's raining, so be patient with me. I'll be alright. Somehow I must be somewhere the sky is blue. ये वाला पतला वाला मैंने बनाया, कुछ पतला कुछ बड़ा, इतना बड़ा जो जल्दी जल्दी में बन जाए, क्योंकि शांतनु मिल रहा है क्या, पराठा क्वीन इज बैक। शांतनु बहुत कुछ से कुछ, और एक बनाया था वो शेयर नहीं किया, और एक आएगा वो वीडियो पे आएगा, स्पेशल पराठा आएगा, हम लोग खा भी लिए खा भी लिए खा रहे, वो स्पेशल दूसरे चैनल का वीडियो पे आएगा। तो नहीं, एक्चुअली शांतनु रोज खुश है, रोटी पराठा मिल रहा है, मतलब आटे का प्रोडक्ट उसको, अरे गर्मी नहीं है ना अभी, आटे का प्रोडक्ट मुझे बनाने बोलो मैं बना लूंगा, और ये किचन पे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता कुछ भी, डकलेस चिमनी है फिर भी मेरा आटा मेरा ज्यादा फेवरेट है, आटा उसका जान है। चावल नहीं खाता था सिर्फ जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के बाद, जाने के बाद बाध्य हुआ था दोनों टाइम खाने के लिए, चावल खाना सीखा वहाँ पे, दिन में भी रोटी नहीं बनता था हॉस्टल में, रात में भी नहीं बनता था, तो फिर वो आदत बन गया था। पहले शांतनु जब फाजिला के यहाँ पे आई थी, शांतनु पराठा रोटी सुबह में लेके जाते थे, रोटी सब्जी ये सब लेके जाते थे, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद बोल रहे थे दोपहर में थोड़ा राइस नहीं होने से थोड़ा एसिडिटी होती, तृप्त और तृप्त फील नहीं होता, ये एसिडिटी होता था, क्योंकि जलपाईगुड़ी में चार साल पूरा राइस दोनों टाइम। हाँ, लेकिन तुम क्यों लेके जाते थे उस टाइम पे, मैंने भी क्वेश्चन नहीं किया, तो इजी होता था ना, अच्छा जल्दी होता, जल्दी और इजी होता था ना, गरम करने का ये करने का, हाँ नहीं पराठा चावल में क्या होता है, चावल दाल सब्जी मतलब दो तीन सारा, और इसमें एक सब्जी और रोटी या तो पराठा, और एक इच्छा था क्योंकि सब वो रोटी सब्जी ले आते थे, फिर रोटी सब्जी तो देख के रोटी सब्जी खाने की इच्छा करता था। अभी शांतनु का टिफिन देख के ना सब बोलते बाप रे, मतलब क्या मतलब, एक एक दिन दिखाना मस्त लगेगा। लेकिन पराठा ये मेथी आलू पराठा ना, हाँ मेथी आलू, ये बहुत पहले से मैं शेयर कर रही हूँ, जितने बार शेयर कर चुकी हूँ उतने बार हमको खाने मिलता है, इतना टेस्टी होता है वो, मस्त, वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी मेरा।